अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वन। आज जो मेन चीज़ है वो हमारे आईटी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। मेरी लोकेशन निशात मिल। मौसम का आज मुझे बड़ा अच्छा एडवांटेज है, मौसम आज बहुत अच्छा है, नीला आसमान और बादल। पहले एयर फिल करवाते हैं, डिजिटल मीटर है यहाँ से। ये फ़ायदा है कि हम अंदर से यहीं से भी देख सकते हैं किस टायर में कितनी हवा है, कितनी कम थी, मतलब देख सकते हैं। और नेक्स्ट व्यू NTU जाके देखते हैं जो IT का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है 2022 का, उस पर क्या था। और ये यूनिवर्सिटी आ गई है, NTU नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, द ब्यूटी ऑफ फैसलाबाद। ये मैं हंस किसी और वजह से रहा हूँ, बातें मैं सच्ची कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी क्लासेस वगैरह ऑफ है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, फैकल्टी के बंदे हैं, एडवाइजर ऑफिस के बंदे हैं, और ये स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, जिन बेचारों के समर्स लग रहे हैं, और वही स्टूडेंट आए हुए हैं NTU। ये कुछ इक्विपमेंट है, ये मैं पकड़ लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको करते हैं लॉक। ये देखें, ये ऐसे पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं बच्चों के, भाई कॉलेजेस और स्कूल्स में करते थे ना, इतने लेजेंड हैं जिनके पेरेंट्स ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं। कहाँ से जाएं, चलो यहीं से चलते। पीसफुल एनवायरनमेंट है सामने है हर चीज़। मैंने कोई चीज़ इस पे जो है ना फेक या फिर ऐड नहीं की हुई है। यूनी ये अभी आया ही हूँ, कराऊ मैं। अस्सलामुअलैकुम, आज आपका हो रहा है वो IT का? हाँ चले आप। सर IT का एक्सपीरियंस कैसा है आपका NTU में? अच्छा रहा है, आपको विजिट करते हैं और दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। एजेंट तहमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं क्या बात है, मुझे इस तरह लग रहा है प्रोजेक्ट आप पे। ये आप तो मेरे बैचमेट हैं। वालेकुम जी। जी जब कपड़े की मर्चराइजिंग होती है, मोस्टली हमारे इधर इंडस्ट्रीज में मर्चराइजिंग जो है वो मैनुअली हो रही है, उसके वो केमिकल और लाइक कास्टिंग के साथ उसकी कोटिंग होती है ताकि उसकी लस्टर लुक हो और क्लीनिंग ज्यादा, मतलब की शाइनी लुक हो। तो वो सिस्टम आप वैल्यू इधर से दे सकते हैं, लाइक रेटिंग दे दी है, ठीक है, एंटर होगी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू दे सकते हैं वो, ये टैंक लगा हुआ है जी, ठीक है, इसके अंदर मिक्सचर होती है सारी, ये इधर से वाटर वॉल्व है, ये बिल्कुल आपका भी सेटअप मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो काइंडली प्लीज आप भी एक्सप्लेन कर दें जो आपका 4 ईयर एक्सपीरियंस डिग्री प्लान। कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी, वैसे इस डिग्री ने बहुत कुछ सिखाया। एक तो लोगों के साथ डील करना, मूविंग ऑन टू द प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, वैसे तो हम बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इवेंट बुक करने की, तो हम वही ट्रेडिशनल वेज के, जब तक हम खुद जाके बड़ों के साथ देख के नहीं आएंगे, बुक करके नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो नहीं आएंगे। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। अब यहाँ पे ना इसकी बात डिटेल इस तरह की होंगी कि मैक्सिमम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, मिनिमम कितना, मतलब मैं ऑनलाइन ही उस हर चीज को घर बैठ के मैनेज कर सकता हूँ, बुक कर सकता हूँ। और सर इसका नाम क्या रखा आपने? ईव मेकर। ईव मेकर। और आपने लैंग्वेज कौन सी यूज की है? हमने इसमें यूज किया React.js, सही, और डेटाबेस के लिए Firebase, NoSQL। और सर ये आपकी वेबसाइट लाइव है इस टाइम? ये ऐप नहीं, अभी तो लाइव नहीं, लेकिन इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। चलिए सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी किस लैंग्वेज पे काम किया आपने? और सर इसकी मेन पर्पज क्या है, बेसिक पर्पज? बगैर सर्वर्स के काम हो सकता है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पे, जैसे आपने टॉरेंट का नाम सुना होगा जी, टॉरेंट से रिलेटेड, टॉरेंट टाइप की है एग्जैक्ट वर्ड।
का प्लांट है चले कॉटन का जो भी डालते हैं क्योंकि ये कॉटन का इस टाइम काफी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें स्प्रेस प्रूफ करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमने बेसिकली स्टूडेंट टीचर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई है। तो इसमें हम इसमें बहुत सारे फीचर हमने ऐड किए हैं, जैसे गूगल मैप को इंटीग्रेट करवा रहे हैं इसके अंदर, कि एक पिक्चर जो आएगा ना वो करने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म बनाया। एक साल पहले आपने इस पर वर्किंग शुरू की और माशाल्लाह आज आपने उसको कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? सर आपकी तो पर्सनैलिटी बड़ी शाइनिंग है और आपने बिल्कुल कलर भी बड़े अच्छे खुश इखलाक पहने हुए हैं, तो काइंडली आपका जो फाइनली प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें। बेसिकली हमने मतलब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक मैनुअल जो वर्किंग है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश की है, कि अब मैनुअल काम होता है थ्रेड्स पर इंच जो होते हैं ना, थ्रेड कपड़े के थ्रेड्स पर इंच होते हैं, ठीक है ना, पर स्क्वायर इंच से, तो उसको वो मैनुअल काम होता है जिससे हम कपड़े की क्वालिटी को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, जितने मतलब आपका मतलब बार पर वेट में धागा चल रहा होता है 80-85 का, 90-90 का, 92-92 का, तो इस चीज़ को हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू बैक एंड पे इमेज प्रोसेस करके, तो उससे हम उसके जो वाइट पिक्सल्स जो है ना, मतलब इमेज के पिक्सल है उसको हम काउंट कर सके। सर सो नाइस ऑफ यू। और आपने इस पर जो वर्किंग स्टार्ट की थी कितनी देर पहले की थी? सर हमें हमारा बेसिकली R&D प्रोजेक्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है ना, तो इसके अंदर हमें पहले बिल्कुल भी नहीं पता था ये होना कैसे है। सही है। पहले हमने मतलब एक एल्गोरिथम ट्राई किया, उससे नहीं हुआ, फिर हमने 2-3 और एल्गोरिथम ट्राई किए, तो एट द एंड हम एक एल्गोरिथम पे पहुंचे कि जिसके थ्रू हमारी जो प्रॉब्लम थी ना, बेसिकली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ आपने टॉफीज भी रखी हुई है, इसका क्या चक्कर है? वो मैंने पहले ही आपको देख के जज कर लिया, माशाल्लाह भाई खुशी खिलाक है, एक मैं भी ले सकता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये फायदा हुआ वैसे, आपको भी रखनी चाहिए थी यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लस कर है 1892 CS 1093। सही। हमारा प्रोजेक्ट है फूड डिलीवरी ऐप है, ठीक है, फूड डिलीवरी। सही है। इससे हमें सर एक क्वेश्चन है, ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं आपके इस ऐप को, कहाँ किस किस कंट्री में यूज कर सकते हैं? बेसिकली अभी तो हम लोकली इसे लॉन्च करेंगे, बाकी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ जहाँ लॉन्च करेंगे जाहिर बात है साथ हमें अपनी विधि का सर्विस भी देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आपको ये भी पता है मार्केट में इस चीज का काफी कॉम्पिटिशन है, जितना फूड पांडा दे रहा है आपको अच्छा खासा रेस्टोरेंट के लिए, फूड पांडा ने भी अभी आके वो होम कुक किया लेकिन वो स्पेशलाइज नहीं है, ये होता तो वो 4 ईयर कम्प्लीट टाइम। चलिए सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? ठीक है। लिंक्स टू लैंग्वेज उसको हमने ना सॉफ्टवेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसके अंदर बेसिक सर आ जाती है, वो फंक्शनैलिटीज आ जाती है जो रियल लाइफ करते थे ना सॉल्व, तो हमने वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और हमने किस लैंग्वेज पे काम किया? हमने काम तो फ्लटर पे किया, फ्लटर डॉट पे। सही। ये होगा कि पेरेंट का चाइल्ड का और इंस्ट्रक्टर का होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो सारा डेटा व्यू कर सकता है, लॉगिन कर सकते हैं बच्चों के, जो होता है चाइल्ड होता है कि जब अगर बच्चे ने वैसी गेम खेलनी है तो लॉगिन के बगैर सीधा अंदर चला जाता है, वो गेम का एक्सेस करता है। पेरेंट में होता है कि वो यूजर नेम वगैरह डालता है और वो उससे अंदर जाके गेम खेलता है तो डेटा वगैरह सेव हो जाता है। पेरेंट के बारे में जब जाता है वो पहले लॉगिन मेन्यू होता है हमारे पास, वो डेटा डालेगा स्टूडेंट का, जिस तरह मैंने अपना डाला, क्योंकि फिर ये ऑप्शन आसकी नहीं आती कि आपने वैल्यू करना है, डिफरेंट गेम्स आ जाती हैं, अभी मैचिंग गेम है। सही। इसमें हमें बताना होता है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ इमेजेस दी होती हैं जिसमें दो सेम कर मैच करनी होती है, या दो गलत मैच करते हैं तो एक पॉपअप डिफरेंट आता है। वालेकुम अस्सलाम। Because in Afghanistan it was a paper-based system, but we just want and in paper-based system by the that's why Got we it. Want to use digital system to avoid issuing fake vaccination certificate. Do you ever think that ki Pakistan needs it? Yes, Pakistan has, but it's not working in Afghanistan. Okay. So vaccination centers. Can you please introduce me your members? Because he looks like so stuck. Tell me about your experience at the National Textile University of Faisalabad. Yes, it was good experience. We just spent 4 years with good memories with good people, especially in Faisalabad. You are satisfied from IT department, National Textile University.
ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड योर वर्क इज सो नाइस, मे अल्लाह ब्लेस यू इन योर फ्यूचर एंड गॉड इट, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है। और फाइनली प्रोजेक्ट की लगता है हमने काफी मेहनत की है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतनी खुशी होती है, तो काइंडली प्लीज एक्सप्लेन। दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड बुक्स, क्विज़ेस, पास्ट पेपर्स, एवरीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, सो दे कैन रीड इट एंड प्रिपेयर देयर एग्जाम्स। प्रोजेक्ट को डिफाइन करने से पहले मैं छोटी चीज बताना चाहूंगा, जो न्यू जूनियर्स के आने वाले एडमिशन होते हैं उनके ग्रुप बनाना, उनको ज्वाइन करना, और उनको कोई भी मसला है उनको, इवन कि जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो मुझे भी बहुत वहां से सर का काम शुरू होता है, और ये बिल्कुल ये डिजर्विंग है, ये चीज को डिजर्व करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं ना तो हमारी दो कोशिश होती है, एक तो हमें वो चीज़ मिनिमम प्राइस पे मिले, दूसरी चीज़ हमारी होती है हमें मिनिमम डिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि आप जैसे ट्विटर आ जाए या हमारे लिए वाटर आ जाए तो उसको बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं। लोग बोल नहीं सकते उनके लिए, कम्युनिकेट के लिए ऐड किए, क्विज भी ऐड किए हैं, ठीक है, और टेक्स्ट टू साइन भी किया। पहले तो है कि साइन टू टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट टू साइन भी किया, वर्ड लिखे या टेक्स्ट लिखे तो उसके आगे वो साइन है। और अगर आईटी डिपार्टमेंट की मैं कुछ इस तरह से बात करूं कि एनटीयू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी आईटी डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रही है। और अगर आप एआई के बारे में रिसर्च करेंगे गूगल पे, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी और आप डीपली स्टडी कर सकते हो। इवन का रोबोटिक्स और लेटेस्ट ट्रेंडिंग और इंस्ट्रक्शन चल रही है वो सारी रोबोटिक्स के ऊपर है, तो इसके आने वाले दिनों में और आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और ना सिर्फ स्कोप है, अगर देखा जाए होलोग्राफ आ रहा है, 7D टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सारी इसी पे ही बेस कर, रिड्यूस ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड इंक्रीज ऑफ रोबोटिक्स नीड्स, तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इवन अगर हम टेक्सटाइल फर्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बात करें तो उसमें भी यही चीज़ है, बंदों की ज़रूरत कम हो रही है और रोबोट्स की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस तरह से एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम हो रही है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ऑन इंटरनेशनल लेवल पर। भाई ने जी YouTube पे एनटीयू सर्च की है और भाई को भाई मिला है, और भाई ने देखे पहचान के सलाम भी ले लिया, थैंक यू सो मच यार। आप आ रही इसी पार्ट में, और इस जूनियर की ये चीज़ बड़ी ही खूबसूरत लगी है कि अभी मेरिट लिस्ट नहीं लगी, अभी तो जस्ट अप्लाई हुआ है, और ये देखिए फाइनली प्रोजेक्ट देखने भी आ गए, अभी से इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आया। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, ग्रेडिंग हो गया बकायदा, टीचर्स आकर रिव्यू ले रहे हैं, तो देखे सीनियर्स बहुत नर्वियस हैं, कन्फ्यूज। चाबी तो इस चीज़ की जैसे प्रोडक्ट में बहुत मिस्टर है, मैंने ऐसी मोबाइल ऐप बनाई है, जो मोबाइल ऐप है उस डिपार्टमेंट टेम्परेचर प्रोबेबिलिटी वो मोबाइल के थ्रू सेंसर से एवरेज लेते हैं, और एवरेज जल्दी मोबाइल लास्ट ईयर इन्होंने आईटी का ऑफ करके इसे रिप्लेस कर दिया। अब उसका फ़ायदा ये हुआ है, एआई है ऑब्वियसली, ये ऑन इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा यूज़ हो रही है, और आईटी में हमारे टीम देखा जाए तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है,
तो AI से जब रिप्लेस करने का फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी एक तो बस ज़्यादा और आने वाले वक्तों में रोबोटिक्स फिफ्थ इंजीनियरिंग जिस तरह का आपने पीछे वीडियो से देखें तो काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव है। अहमद भाई इंटरेस्टिंग था यार, मज़ा आया काम का। और जैसा कि आपने सारा विजिट कर लिया है और लिटरली सोचा नहीं था अहमद कि इस तरह सा काम होगा, कमाल का काम। मतलब इनका लर्निंग है प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं क्योंकि मैं तो फिलहाल डिजाइन डिपार्टमेंट में हम क्लास फेलोज एनिमेशन डिजाइन डिपार्टमेंट में, तो हम तो मतलब काफ़ी बेस्ट तो ऑब्जर्व किया था कि ठीक है फाइनली प्रोजेक्ट होगा सही, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा था कि जिस तरह से स्टूडेंट ने वो चेयर लेना था आप किसी भी रूम में उसको रख के देख सकते, और वो जो डिस्टेंस का था वो मतलब वो जो पहनी हुई होगी हाँ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और स्पेशली थैंक्स टू अहमद भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका भी भाई जान लॉर्ड्स ऑफ लव। अब हम डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ऑफिस अपने आ चुके हैं, स्टूडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.